रीवा से बड़ी खबर, ये अपने आप बता दें कि रीवा में संचालित होने वाले नर्सिंग होम के लाइसेंस के निरस्त होने की बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां दो ठे नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त कई दिन के। हम अपने बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस समय प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकन और अस्पतालन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जोने के तहत यह लाइसेंस निरस्ती के जानकारी सामने आई है। लाइसेंस कौन अस्पताल के निरस्त किए गए वो पूरी खबर अपना खाते लेके आए हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सब्जन का प्रणाम कहते शुरू कही थे बड़ी खबर से। अपने बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के जाँच में अमानक पाए जाए वाले दूठ नर्सिंग होम के लाइसेंस पहले निरस्त किए जा चुके हैं, जिसके बाद पुणे के नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त कई दिन के हैं। उन्हें बता दें कि व्यवस्था बनाए के बाद लाइसेंस बहाल की जाए। CMHO डॉक्टर NN मिश्रा के मुताबिक टीम बीते दिना डॉक्टर SK त्रिपाठी और डॉक्टर करण जोशी के पत्नी के नाम रजिस्टर नर्सिंग होम जो उनके रीवा में PK स्कूल के पीछे संचालित हो रहा है ओकर निरीक्षण करे रहे, जहां डॉक्टर करण जोशी के पत्नी से के नाम से संचालित होने वाला नर्सिंग होम के लाइसेंस का निरस्त की गहबे हैं। डॉक्टर SK त्रिपाठी के नर्सिंग होम के लाइसेंस घलाए निरस्त की गहबे। अपने को बता दें कि इसके अलावा डॉक्टर सोनपाल जिंदल के जिंदल नर्सिंग होम के लाइसेंस घलाए निरस्त की गहबे। हालांकि बतावा जाता है कि उनके द्वारा 30 सितंबर का नर्सिंग होम बंद करे की जानकारी दे दी गई रही, बावजूद है कि लाइसेंस उनका निरस्त कई दिन का। हम अपने बता दें कि यह बड़ी कार्रवाई की गई है और बेहद जरूरी है कि ऐसा संस्थान में लगाम लगावे के जो उनके नियम कानून का ताक में रख के लोगन के जान के साथ खिलवाड़ करा था, समय समय पर इनकर जांच हो चाहिए और लापरवाही खातिर जिम्मेदार लोगन पर घलाए बड़ी कार्रवाई की जाए चाहिए, जो से आम जनता के साथ खिलवाड़ ना कर सका। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल रखो।